मौसम यहाँ का पर 5 मिनट में चेंज हो रहा है। अभी मौसम साफ होने लग गया था और तब दोबारा से धुंध आ गई है यहाँ। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये है डे टू और सुबह के बज रहे अभी 6। तो अभी मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ और कुछ देर में हमने अब ब्रेकफास्ट ही करना है। हमने बोल दिया था 7 साढ़े 7 को शायद हम ब्रेकफास्ट करके, और 8 बजे हमने यहाँ से निकलना है यार, क्योंकि आज का सफ़र भी काफ़ी लंबा है। यहाँ से हम पहले जाएंगे पराशर लेक, पराशर लेक से वापसी आएंगे हम, फिर वहाँ से हमारा नेक्स्ट लोकेशन रहेगी मणिकरण, मणिकरण से फिर हम वापस होते हुए जाएंगे मनाली, जहाँ आज हमारा स्टे होना है। तो ये है अभी मॉर्निंग का कुछ व्यू, और ये देखिए आप ऊपर बादल है और धुंध भी है। बस यही भगवान से प्रार्थना है कि बस साफ हो जाए मौसम और बारिश तो बिल्कुल भी ना हो। तो अभी टाइम हो गया 7:30 और बाहर जो है हल्की हल्की बारिश लग गई है। अभी शायद थोड़ी देर में रुक जाए या नहीं रुकेगी तो फिर दिक्कत है। और यहाँ हमारा टेम्पो ट्रैवलर, तो थोड़ी देर से हमने निकलना है। ये अब ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और ये था हमारा होटल। ये है होटल रिवर बैंक। तो अब शायद थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे, हमारा सामान भी यहाँ है। तो गाइस गाड़ी की पैकिंग हमारे हो गई है और लगभग 8 बजने लग गए, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे पराशर लेक के लिए। और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं पराशर लेक। तो सुबह हम लोग 8 बजे चल पड़े थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते 11 बज गए, तो तकरीबन हमें 3 घंटे यहाँ लग के लिए लग गए हैं। और जो रास्ता है 6-7 किलोमीटर का, वो काफ़ी ख़राब है लास्ट में, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और सारा ही रोड मैक्सिमम जो रोड है वो सिंगल रोड है। और ये है पीछे पराशर लेक यहाँ नीचे की तरफ, और यहाँ पे है नीचे ये पराशर लेक। और मौसम जो अभी है वो थोड़ा खुलने लग गया है, अब बारिश हल्की हल्की लगी हुई है। तो गाइज ये है पराशर लेक और ये है बीच में इसमें टापू जो बदलता रहता है, यानी कि कभी ये वहाँ होता है कोने में, कभी बीच में आ जाता है, कभी कहीं रहता है ये, तो ये समय के साथ बदलता रहता है। और यहाँ एक मंदिर भी है और मंदिर में आपको सराय वगैरह रुकने के लिए भी मिल जाता है। और बड़े परे को ये कैंटीन वगैरह है इस तरफ को भी, और इस तरफ को भी कैंटीन वगैरह है, चाय नाश्ता वगैरह यहाँ कर सकते हैं। और एक बात बताऊँ, बहुत ही प्यारी जगह है, अगर आप मंडी साइड आ रहे हो तो पराशर लेक ज़रूर आए। हाँ जी चलो चलो। तो ये है पराशर ऋषि का मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर है और सारा लकड़ी का काम हुआ है इसमें।
मौसम यहाँ का पर 5 मिनट में चेंज हो रहा है। अभी मौसम साफ होने लग गया था और तब दोबारा से धुंध आ गई है यहाँ। और आप इस झील के पूरे राउंड मार सकते हो यहाँ से लेकर, और वहाँ से घूम घूम के आप जा सकते हो यहाँ को। हम तो नहीं जा रहे अभी क्योंकि जो रास्ता है वो सारा कीचड़ वाला है, अगर फिसल गए तो पूरे हाल हो जाएंगे। और बहुत ही प्यारी झील है यह, चारों तरफ को आप देख सकते हैं, चारों तरफ को पहाड़ है और बीच में ये है झील। और ये है पराशर ऋषि का मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। और अब बज चुके हैं 12, तो 1 घंटा हमें यहाँ हो गया है। तो अब हमारी अगली लोकेशन जो रहेगी वो है मणिकरण। तो अब हम यहाँ से जल्द निकलेंगे और चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। फाइनली शाम के 5 बजे हम पहुंच चुके हैं मणिकरण, और आपको भी ले चलते हैं अब यहाँ से आगे। तो गाइस ये है सामने मणिकरण का गुरुद्वारा, बहुत ही सुंदर है। और नीचे की तरफ है ये पार्वती नदी है, आप इसका फ्लो देखिए गाइस, बहुत ही तेज है। वहाँ पर है पानी, गर्म पानी के चलते देख सकते हैं बाहर निकल गए थे। गाइस नीचे जो ये पत्थर है ये गर्म हो जाते हैं, नीचे से पानी आ रहा है गर्म पानी, तो उसके लिए ये लकड़ी के तख्ते से लगा रखे हैं। ये है
मणिकरण की मार्केट, और यहाँ है एक मंदिर, रघुनाथ मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभी इसमें हम जाएंगे अंदर। यहाँ पर है प्राचीन राम मंदिर, तो अभी हम जाएंगे इसमें। तो गाइस ये है राम मंदिर का परिसर, काफी अच्छा है, काफी सुंदर मंदिर है। तो ये है गाइस मंदिर, ये अंदर की तरफ जो मंदिर है ये पुराना है, और ये अभी नया बनाया गया है इसे लकड़ी का सारा। गाइस ये है पुराना मंदिर, देखिए पूरा पत्थर पत्थर का है, सारा पत्थर का है, पुराने पत्थर है ये। इस तरफ नहाने के लिए यहाँ सीताकुंड जहाँ पे लेडीज नहाती है, और यहाँ पर है रामकुंड जहाँ जेंट्स नहाते हैं। हम आए रामकुंड में, और अंदर से आपका और वहाँ ऊपर पाइप से आ रहा है गर्म पानी। शाम के बज गए 6, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बनाने की, और जहाँ हमारा स्टे है आज, देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे, शायद 3 से 4 घंटे पहुँच जाएंगे, 6 से 9 तक हम शायद पहुँच जाएंगे। और ये है बड़ी सुंदर मार्केट मणिकरण की। गाइस ये है मणिकरण का पुराना पुल, और अब इसमें कुछ नई प्रथा आ गई है, ये ताले लगाए गए हैं। एक शायद स्पेन में है या इंग्लैंड में है, उसमें भी लगाए गए थे कुछ तरीके से, और कुछ टाइम बाद वो पुल ही गिर गया था क्योंकि ताले बहुत ज़्यादा लग गए थे। तो शायद इन द फ्यूचर इसका भी कुछ ऐसा ही हाल ना हो। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी अपने होटल, और अभी टाइम हो गया है 10, तो हम तकरीबन 9:30 बजे यहाँ पहुंच गए थे, और हमने अभी डिनर वगैरह अपना कर लिया है, और हमारा रूम मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो गाइस ये है आज का हमारा रूम, और यहाँ इसमें बाहर का एरिया, और अंदर की तरफ है यहाँ बेड, और 2 कुर्सियाँ दे रखी है बैठने के लिए बिल्कुल राजो वाली, और गोल बेड है ये। और यहाँ से बाहर का व्यू आप लोग देखिए, तो यहाँ से दिखता है मनाली का सारा व्यू, और एक टीवी यहाँ लगा है, और एक टीवी यहाँ लगा है, और इस तरह है बाथरूम। और गाइस इसमें देखिए आप जकूजी, क्या मस्त है यार। और यहाँ की तरफ है टॉयलेट और शीशा, यहाँ लगा है हेयर ड्रायर। तो बस गाइस आज की इस वीडियो को करते हैं यही ख़त्म, और आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस सीरीज़ में,
क्योंकि डेली नए नए ब्लॉग आते रहेंगे। और तो चलिए अपने मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस तो ये है सारा मनाली, यहाँ से ये सारा मनाली है।